जय स्वामी नारायण। श्री स्वामी नारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का हिंदी में एकम 7, जो कि इस सत्र का अंतिम एकम है, तो आज हम एकम 7 यह भी एक परीक्षा उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल और साहित्य प्रकार है एकांक। तो बच्चों, आज हम यह भी एक परीक्षा है, वह एकम है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इस एकांकी में शिक्षा का महत्व बताया है, शिक्षा यानी कि हम पढ़ाई करते हैं उसका महत्व तो बताया है, मगर शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि अच्छे अंक प्राप्त करें, आप परीक्षा में प्रथम क्रम लाए। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा प्रथम क्रम ही लाए। शिक्षा से हमारे जीवन में सच्चाई, परोपकार, न्याय, दया जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी बूढ़े पर दया करता है, वह परीक्षा में देरी से बोलता है। इस एकांकी में एक लड़का है, वह एक बूढ़े भिखारी को मदद करता है, इसके कारण वह परीक्षा में देरी से बोलता है। उसके शिक्षण कारण शिक्षक ने यह बात जानी और उसे शाबाशी दी। तो बच्चों, यह एकम है, वह आज हम पढ़ेंगे एकम 7, यह भी एक परीक्षा, सुरेंद्र अंचल, पेज नंबर 38। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी कोई कीमत, कोई महत्व जीवन में नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है, हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मनुष्य के भीतर जो शक्ति है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य यह नहीं कि हम प्रथम क्रम ही लाए शिक्षा लेते समय, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, यही इस एकांकी में प्रमुख उद्देश्य है। हमें दूसरों को मदद रूप बनना चाहिए। यदि हम पढ़ लिखकर किसी को मदद रूप न हो तो इसका कोई मूल्य नहीं, उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं, मगर उस शिक्षा को हमें हमारे जीवन में उतारना है और दूसरों को मदद करनी है। और मानवता है वही हमारा मुख्य उद्देश्य है, और इसी बात को इस एकांकी में, इस एकम में हमें बताया गया है। प्रथम दृश्य, पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। बच्चों, नाटक की तरह एकांकी भी होती है, उसमें बताया है कि पर्दा है वह उठ रहा है, और उस पर्दे के उठने से हमें कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है, तो जिसका यहाँ पर वर्णन किया है कि बाजार है, सब लोग है वह इधर उधर घूम रहे हैं, आ जा रहे हैं। एक बार कंधे पे थैला, हाथ में पुरुष, एक बालक आता है, कंधे पर थैला लिए है और हाथ में ब्रश लिए है, बूट पॉलिश, और वह बोल रहा है बूट पॉलिश बूट पॉलिश। एक राहगीर से, राहगीर यानी कि राह पर चलने वाला व्यक्ति होता है, इसे राहगीर बोला जाता है। बाबूजी, जूते झुमका दूंगा, शानदार कर दूंगा। वह लड़का है, वह एक व्यक्ति से कह रहा है बूट पॉलिश, और कह रहा है कि आपके बूटे बूट है वह चमका दूंगा, शानदार बना दूंगा, नए शीशे बना दूंगा, ऐसा वह कह रहा है। राहगीर, नहीं परे हट। राहगीर यानी कि रस्ते पर जाने वाला व्यक्ति है, वह लड़के को कहता है, नहीं मुझे कोई बूट पॉलिश करवानी नहीं, परे हट यानी कि दूर हट, दूर जा। बालक, बूट पकड़ कर, आईना बना दूंगा जूतों का, आईना बना दूंगा यानी कि बहुत चमक ला दूंगा। तो वह लड़का है, वह राहगीर से कहता है कि आपके बूट को आईना बना दूंगा। वह लड़का उस व्यक्ति के बूट है वो पकड़ लेता है। अपनी सपना देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए, ऐसा आपका बूट है वो चमका दूंगा कि उस बूट में आपकी शक्ल है वो दिखाई देगी।
आप पहले देखना मेरा काम और उसके बाद ही मुझे पैसे देना। सिर्फ 2 रुपया मैं आपके गुट को गुट पॉलिश कर दूंगा। राजू, अरे बट चौक की तरफ चिपक जाता है। जोक है वह एक मच्छर का नाम है। आप जानते होंगे कि हम गुजराती में उसे माकड़ बोलते हैं। जो एक बार चिपक जाता है तो उसे जितना भी निकालने की कोशिश करो वह दूर नहीं हटता। तो यहाँ पर वह रागीर है, वह कहता है कि अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है। बाघ राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाथ अखबार का बंडल लिए आता है और राहगीर कहता है उसके पीछे यह लड़का बूट पुलिस वाला लड़का जा रहा है और कहता है कि मेरे पास बूट पुलिस करवा लो। इतने में दूसरी ओर से एक हाकर यानी कि अखबार बेचने वाला व्यक्ति है जो भेड़िया होता है उसे हाकर बोलते है। वह अखबार का बंडल लिए आता है। हाकर अखबार मिलाते हैं। हाकर है वह अपने पेपर है, अखबार है वो बेचना चाह रहा है, इसलिए अपना अखबार है वो हिलाता है और कहता है आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नव निर्माण। वह अखबार में जो न्यूज छपी है वह बोलता है कि आज की ताजा खबर कि भूकंप में जो मकान गिर गए हैं उसका नया निर्माण होगा। छात्रों की फीस माफ, छात्र यानी कि विद्यार्थियों की फीस माफ की जाएगी। स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा, यानी कि स्कूल के बच्चों होते हैं उन्होंने एक डाकू को पकड़ा। आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है और यह न्यूज सुनकर कुछ लोग है वह अखबार है वो खरीद लेते हैं। इतने में एक चाय वाला है वह वहां आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे, एक हाथ में केतली, एक हाथ में वह बाल्टी ले आता है यानी कि डोली और एक हाथ में केतली यानी कि कितली। चाय वाला चाय गरम चाय वह बोल रहा है कि चाय गरम है। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकराता है। इतने में वह चाय वाला है उससे एक बालक है वो टकरा जाता है। चाय वाला है वो बोल रहा है कि चाय गरम मेरे पास से चाय ले लो, मेरे पास गर्म गर्म चाय है। इतने में एक बालक है वह अखबार पढ़ता है और वह चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है और बाल्टी है वह टकराने से वहां पर गिर जाती है। 2-3 कप बिखर जाते हैं और 2-3 कप है वहां पड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। चाय वाला अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चाय वाला है वह कह रहा है, जो बालक है वो अखबार पढ़ता है उससे कह रहा है कि तुम देखता नहीं मेरे सारे कप है वो नीचे बिखर गए, पड़ गए, गिर गए और टूट गए। बालक चल फूट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया है। वह एक तो उसकी गलती है कि रास्ते पे चलते चलते कभी भी अखबार नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें सामने से कौन आता है वह दिखाई नहीं देता। फिर भी वह चाय वाले से कहता है कि अरे दूर हट, फूट यहाँ से चला जा, मेरा पेंट है वो तुमने खराब कर दिया अपनी चाय से और पानी से, और ऊपर से रोब जमा रहा है और ऊपर से मुझे डांट रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बेसाही के सहारे आता है। वह दोनों है वो लड़ते झगड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी है वो बेसाही यानी कि वो अपंग है, वो चल नहीं पाता, इसलिए उसे लकड़ी की बनी हुई बेसाही, आप सभी ने बच्चों देखी होगी, वह लेकर आता है। कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेश गाड़ी आदि है। बच्चों आप खास याद रखना कि आपको पूछा जाएगा कि भिखारी के कटोरे में कौन सी चीज थी, तो आपको याद होना चाहिए कि भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़िया थी, अमरूद थे, रोटी के टुकड़े थे और रेश गाड़ी थी। बच्चों रेश गाड़ी यानी कि कुछ सिक्के थे। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वह भिखारी है वो भीख मांग रहा है
और कहता है कि मेरा सब कुछ लूट गया है, मेरे पास अब कुछ नहीं है। भगवान तुम्हें खुद बरकत देगा, खुद पैसे देगा, भगवान तुम्हारा चला जाएगा, मुझे कुछ दे दो। एक बालक हाथ में किताबें, परे एक बालक है वह अपने हाथ में किताब लेकर जा रहा है और कह रहा है कि परे की दूर हट, दूर जा, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है। वह कहता है कि एक तो स्कूल जाने में पहले से ही मुझे देरी हो गई है और तू मुझे रास्ते में रोककर और देरी करवा देगा। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लेता है और वह बालक है वह अपनी जेब में हाथ डालता है और पैसे है वो देता है। यह तो पिक्चर के टिकट में भी अठन्नी कम है, तू देगा, चला जाता है। वह बालक है वह कहता है कि मेरे स्कूल जाने में देरी हो गई है और अपनी जेब में हाथ डालता है और कहता है कि मुझे सिनेमा देखने जाना है और उसने भी अठन्नी कम है, क्या तू मुझे देगा मेरी वो अठन्नी जो मुझे सिनेमा देखने जाते समय कम पड़ेगी वो। और वह वहां से चला जाता है। ठीक है बेटा, मैं अंधा हूँ, बेसहारा, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। भिखारी है वो, कहता है कि मैं अंधा हूँ, मुझे मेरी आंखों से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बेसहारा हूँ क्योंकि मेरा कोई आधार नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है, सबको देने वाला वह नीली छतरी वाला है ना कि भगवान है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। इतने में एक बालक आता है, वह साइकिल पर सवार है, वह इस अंधे भिखारी के साथ टकरा जाता है और वह भिखारी है उसके हाथ में जो लकड़ी थी और कटोरा था वह गिर जाता है और वह दूर गिर जाता है, वह बूढ़ा है वो भी गिर जाता है। हाय रे, मेरी टांग टूट गई है, अब क्या करूं, भिखारी है उसके ऊपर वह साइकिल सवार है, वो अपनी साइकिल चला लेता है, इसलिए वह कहता है कि हाय रे, मेरी टांग है वो टूट गई, अब मैं क्या करूंगा। साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है, कपड़े झाड़ कर यानी कि अपने कपड़े है वो साफ करता है, साइकिल वाला है वह उस बूढ़े भिखारी को गिरा देता है और साथ में वह खुद भी गिर पड़ता है और उसके कपड़ों में दूर लग गई है, इसलिए वह झटकता है, साफ करता है। अंधा है क्या, सामने आ गया, इन भिखारियों में ने तो नाक में दम कर रखा है। वह कहता है कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा, मेरी साइकिल के सामने आ गया, इस भिखारियों ने तो नाक में दम कर दिया है। बच्चों यहाँ पर एक मुहावरा आया, नाक में दम कर देना यानी कि परेशान कर देना, स्कूल की देर करवा देना, परीक्षा का पहला दिन है। वह लड़का है वह बोल रहा है कि मेरे स्कूल में तू देर करवा देगा, मेरे साथ टकरा है इसलिए मेरा समय है वो तुमने गवाया है और आज मेरे परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है और वह साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे। वह बैठा है और भगवान को याद कर रहा है और कह रहा है कि मेरी टांग है वो टूट गई, साइकिल वाले के साथ टकराने से मेरी टांग है वो टूट गई। अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू। वह कहता है कि कोई तो मुझे उठा लो, कोई तो भला मनुष्य मुझे सड़क के उस किनारे बिठा दो, ए लाला, ए बाबू कहकर वह चिल्लाता है, सबको बुलाता है, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे, मुझे सड़क के दूसरी तरफ बिठा दो ताकि कोई और मुझे मुझसे टकराए नहीं। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता, एक विद्यार्थी वहां आता है और उसके हाथ में बस्ता, बस्ता यानी कि दफ्तर होता है जो आप स्कूल में ले जाते हैं, बस्ता बोलते हैं जिसमें हम किताबें रखते हैं। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बुढ़े बाबा। वह लड़का है वह विद्यार्थी है वह बताता है कि अरे बाबा तुम्हें क्या हो गया, टांग देख रहे और उसका पैर है वह देखता है, अरे चोट ज्यादा लगी है। वह लड़का है वह विद्यार्थी है वह कहता है, अरे रे तुम्हें तो बहुत सारी चोट लग गई है।
कटोरी में पैसे रोटी आदि डालकर देता हूँ और कटोरी में से जो अमरूद रोटी के टुकड़े ये सब गिर गए थे वह सब लेता है और वह पैसे और रोटी के टुकड़े वो कटोरे में डालता है और उसे देता है। लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इतने 7 रुपये है, यह तुम्हारा कटोरा गिर गया था, यह ले लो और उसमें जो 7 रुपये थे ये भी ले लो, ये तुम्हारे 7 रुपये, इसमें तुम्हारे 7 रुपये थे। बच्चों वो विद्यार्थी है वो कितना विनम्र था, आप देखिए कि पहले तो उस भिखारी के प्रति उसने दया बताई और साथ में उसका कटोरा और उसके कटोरे में जो पैसे थे वो भी उसने दे दिए। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ, भिखारी है वो कराहता है यानी कि दर्द से जो आवाज निकलती है उसे कराना बोलते हैं। वह कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कर मेरे राजा बाबू। भिखारी है उसने उस विद्यार्थी ने उसे सहारा दिया, इसलिए भिखारी है वह विद्यार्थी को आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा तुम्हारी कक्षा में प्रथम नंबर आएगा, तुम प्रथम क्रम से उत्तीर्ण होगे, उत्तीर्ण यानी कि पास होगे मेरे राजा बाबू। वह लाड से बुला रहे हैं, मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है? वह भिखारी है वो कहता है कि मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है जिसके सहारे में चलता था, वह लकड़ी कहाँ है? बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारे। भिखारी है वह विद्यार्थी से कहता है कि मुझे लकड़ी दे दो और मुझे एक पेड़ के नीचे बिठा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। विद्यार्थी लकड़ी थमा कर विद्यार्थी है वह उस बूढ़े भिखारी को हाथ में लकड़ी देता है, लो यह रही लकड़ी, और कहता है कि ये ले लो, ये आपकी लकड़ी रही। स्कूल की घंटी सुनाई देती है और स्कूल की घंटी स्कूल का बेल है वो सुनाई देता है, अरे पहली घंटी लग गई, और वह विद्यार्थी है वो बोलता है कि अरे पहली घंटी तो बज गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है और आज मेरे परीक्षा का पहला दिन है, आज मेरा पहला पेपर है, किंतु खैर उठे बाबा उठो, परंतु वह कहता है कि कोई बात नहीं, और कहता है बाबा तुम उठ जाओ, तुम्हें फुटपाथ पर बैठा दूं और तुम्हें मैं फुटपाथ पर जहाँ कोई वाहन है वह आता नहीं हूँ वहां पर मैं तुम्हें बैठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में जो गहरी चोट है खून बह रहा है, और वह विद्यार्थी है वह कहता है कि तुम्हारे पाँव में गहरी चोट लगी है और खून यानी कि लघु है वो बह रहा है जा रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं और हाथ में जो घड़ी पहनी है वह देखता है और वह सोचता है, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, वह अपने पास जो घड़ी है वह देखता है और वह सोचता है कि उधर परीक्षा का समय हो गया है और इधर यह बाबा जिसके टांग में से लहू है वो बह रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं परीक्षा देने जाऊँ या इस बाबा की मदद करूँ, क्या करूँ? वह सोचता है मैं इस बाबा की मदद करूँ या मेरा परीक्षा का पहला पेपर है वो देने जाऊँ, मैं आखिर क्या करूँ, वह सोचता है। अंतरात्मा में आवाज होती है और वह विद्यार्थी है उसके मन में से आवाज आती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान यानी कि मनुष्य की सेवा मनुष्य की मदद करना सबसे बड़ा सबसे पहला कर्तव्य सबसे पहली हमारी फर्ज है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इंसान की सेवा करना यही हमारा धर्म है। यदि हम मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान को याद न भी करे तो भगवान हमसे रूठता नहीं, मगर यदि हम किसी मदद रूप व्यक्ति को यदि हम मदद नहीं करेंगे तो भगवान हमसे जरूर रूठ जाएगा, इसलिए यह कहता है कि इंसान की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से विद्यार्थी है वो बूढ़े भिखारी बाबा से कहता है चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो, और कहता है कि मैं तुम्हें अस्पताल तक ले जा रहा हूँ। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है, विद्यार्थी है वह सहारा देकर ले जाता है। बच्चों
यहाँ पर देखो कि हमने देखा चाय वाला आया, फिर पुलिस वाला आया, अखबार वाला आया, इन सभी एक और विद्यार्थी भी आया, इन सभी का हमने वर्तन देखा। इनमें से भिखारी के साथ एक विद्यार्थी ने ऐसा भी वर्तन किया कि वह उससे टकराया और सिनेमा के पैसे भी उसने मांगा। मगर एक यह विद्यार्थी है जब वह उसका पहला पेपर है, फिर भी वह इस बूढ़े भिखारी को सहारा देता है, सड़क के किनारे पर बैठाता है और उसके पैर से जो लहू जा रहा है वह देखता है और वह सोचता है, उसके अंदर आत्मा से आवाज आती है कि मनुष्य की सेवा करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। और वह उस भिखारी को अस्पताल ले जा रहा है। बच्चों, हाँ, आज यह एकम है वह यहाँ तक ही पढ़ेंगे, हम दूसरे क्लास में दूसरा दृश्य है वो देखेंगे। जय स्वामी नारायण।